कोरोना की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसे में रोजगार के लिए कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुक गए। इसी बीच जम्मू रीजन के कठुआ जिले में चेनाब टेक्सटाइल मिल में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। नाराज मजदूरों ने मिल के बाहर तोड़फोड़ कर कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वेतन के नाम पर बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं। जब हालात बेकाबू हुए तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों की भीड़ को कम करने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे इन मजदूरों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद लोगों को समझाने पहुंचे आईपीएस शैलेंद्र मिश्रा ने भोजपुरी भाषा में लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन चेनाब कपड़ा मिल से उनके वेतन को लेकर बात करेगा और फिलहाल वो लोग अपने शिविर में जाएं। सर आपका पेमेंट वाला मुताबा बुकरी गाते मैनेजमेंट से हम बात करनी है आपसे तुरंत। उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो हम बात कहता नहीं वो बात का पूरा हम प्रमाण मांगनी है कि स्टाफ के कितना सैलरी देने बननी नंबर एक। एक मिनट का पूरा मिलन सोल्यूशन खातिर होकर निराश खातिर हम भैया आयल बानी। हम डंडा लेके नहीं किया है जननी, हम अकेले आयल बानी। ये लोग के सब पीछे सार सब पीछे हो जाइए, कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा, सब पुलिस वाले पीछे जाइए। क्या करेंगे बात नंबर एक। दरअसल एक जगह भीड़ एकत्रित होने की वजह से कोरोना की महामारी का संकट और भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे इन मजदूरों को समझाकर वापस भेजा जाए। पुलिस के समझाने पर मजदूरों का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से बीते दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज़ डेस्क।